अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ शाह और आप देख रहे हैं इस वक्त टेक्निकल आसिफ शाह यूट्यूब चैनल। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं, हर बार हम आपको मुख्तलिफ गैजेट्स, मुख्तलिफ ब्रांड की अनबॉक्सिंग पेश करते हैं। आज भी हमने आपके लिए एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं आपकी खिदमत में, जो पोलो शार्प शूट DSLR कैमरा है, जो हमने अली एक्सप्रेस से बाय किया है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसके बारे में बताने वाले हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट हमें साथ मिली है। ये हमने चाइना से अली एक्सप्रेस के थ्रू ऑर्डर किया था, जो हमें 45 डेज़ के अंदर इसकी डिलीवरी मिली है और इसकी कीमत भी हम आपको बताएंगे और इसमें क्या क्या खसूसियात हैं आपको वो भी बताएंगे। पहले ये बॉक्स आप लोग देख लें अच्छी तरह से, तमाम स्पेसिफिकेशन इसके ऊपर मौजूद हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये DSLR फुल HD 1920 1080p GP का इसका रेजोल्यूशन से, और इसका मॉडल नंबर है D7200 यानी D7200। HDR है, LED स्पॉट लाइट है इसके साथ, और डिजिटल जूम है, 33 MP इसका जूम है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर 3 लेंस के साथ स्पॉट लाइट्स के साथ हमें मिला है। तो चलते हैं, अब बिना टाइम ज़ाया किए इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स को एक तरफ से आप फिर देख लें, यहाँ से भी देख लें, आप इसको PC वगैरह के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं D7200 और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, अब बिना टाइम ज़ाया किए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इस बॉक्स को हम यहाँ से ओपन कर देते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कलर लाइव डिस्प्ले इन वन मोमेंट। ठीक है, इसको हम अनबॉक्स करते हैं और इसके अंदर आपको ये एक बैग नज़र आ रहा है। तो पहले हम इसके अंदर से बैग को ओपन करने के बाद इस बॉक्स को यहाँ साइड पे रख देते हैं और ये देखें आप, इस पर आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर आपको इसकी ब्रांडिंग मार्क हुई हुई है पोलो शॉर्प शूट्स के नाम से D7200। ठीक है, इसको बैग को भी हम ओपन कर देते हैं इस तरह से, और ओपन करने के बाद आप देख लें कि इसके अंदर तमाम चीज़ें बहुत ही आला क्वालिटी का इन्होंने साथ में बैग दिया है। और ऊपर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं इसकी बेल्ट है बैग की, और ये भी मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और इसे मैं यहाँ रख देता हूँ और इसे मैं और देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या दे रहे हैं। ये देखें, कैमरे का ये स्ट्रिप है, बेल्ट है इन्होंने दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नज़र आ रहा है। इसे हम फ़िलहाल साइड पे रख देते हैं और देखते हैं कि इसके साथ और हमें क्या दिया है। और दूसरा आप ये देख लें, ये इन्होंने चार्जर का बॉक्स दिया है जिसके अंदर आप बैटरी लगा कर चार्ज कर सकते हैं, ये भी अच्छी क्वालिटी का नज़र आ रहा है, इसे भी हम यहाँ रख देते हैं साइड पर। ठीक है, और ये आप देख लें, ये इनपुट आउटपुट के लिए अगर आप इसको TV वगैरह LCD वगैरह LED के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये इसकी केबल वगैरह दी हुई है। और साथ में आप ये देख लें, ये इन्होंने चार्जिंग डेटा केबल दी हुई है, चाहें आप इसको चार्ज कर लें और चाहें तो आप इसको अपने PC वगैरह से कनेक्ट करने के लिए डेटा केबल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी अलग क्वालिटी की हमें नज़र आ रही है, इसे भी हम नीचे रख देते हैं। और ये दो डोरियाँ दी हुई हैं इन्होंने, एक ये लेंस के लिए दी हुई है कि जो लेंस का कैप है उसमें लगाएं, और दूसरा ये आप कैमरे में लगा सकते हैं हैंड कैरी के लिए। ठीक है, इसे भी हम यहाँ रख देते हैं। और एक फ्रेंड, इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है। ये देखें फ्रेंड, ये स्पॉट लाइट दी हुई है इन्होंने और यहाँ आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं, ये ऑन ऑफ दिया हुआ है इसका, और इसको आप कैमरे में होल्ड कर सकते हैं और बड़ी ही आला क्वालिटी है, इसको आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइट है और ये ऑफ हो गई। ठीक है, इसको भी हम यहाँ रख देते हैं, देख लेते हैं मज़ीद और क्या सामान दे रहे हैं ये हमें इसके साथ। ये देखें, ये पहला लेंस है, ये भी लेंस आपको नज़र आ रहा होगा, बड़ी अच्छी क्वालिटी का आपको ये लेंस नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं इसको, और इस लेंस को भी हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, और
दूसरा लेंस टेलीफोटो लेंस जो इन्होंने अपने ब्रांड के अंदर मार्किंग की हुई थी, उसको अब चेक कर लेते हैं कि ये कैसा है इन्होंने बॉक्स में दिया हुआ। ये भी अच्छी क्वालिटी का हमें नज़र आ रहा है, इसे भी हम ओपन कर लेते हैं रैपर से। तो ये टेलीफोटो लेंस कहलाता है और बड़ी ही अलग क्वालिटी का ये टेलीफोटो लेंस है। इसे आप इस तरह से पीछे इन्होंने कैप दिया हुआ है यूज़ करने के लिए, और इसमें भी इनकी ब्रांडिंग हुई भी है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। OSTL 24x ऑप्टिकल सुपर टेलीफोटो लेंस, ठीक है, बहुत ही आला क्वालिटी है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसको आप ओपन कर सकते हैं इस तरह से। इसे भी मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। और ये मेमोरी कार्ड है, इसे भी मैं यहाँ रख देता हूँ। और ये है वो प्रोडक्ट जिसका हमें बेचैनी से इंतज़ार था। 45 डेज हमने इस प्रोडक्ट का इंतज़ार किया, बड़ी अच्छी पैकिंग के अंदर और बड़ी तरीके से इन्होंने पैक किया है ताकि स्क्रीन वगैरह पर कोई स्क्रैच ना आ जाए और कुछ ऐसा ना हो जाए। इसको हम ओपन कर लेते हैं, आप देख रहे हैं इस तरह से। इस बॉक्स को मैं इस तरह से यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। और इस कैमरे को मैं इस तरह से इस रैपर से बाहर निकाल देता हूँ, आप ये देख सकते हैं, आपको ये नज़र आ रहा है इसमें। और पोलो शार्प शूट आपको ये कैमरा इसी ब्रांड का, और ये इन्होंने इसका कैप दिया हुआ है। कैप आप निकाल देंगे तो ये आपको इसका लेंस नज़र आएगा, ठीक है। इसको हम ये लगा देते हैं इस तरह से, और ये देखें आप, इन्होंने प्रोटेक्टर लगाया हुआ है स्क्रीन पर। 3 इंच की इसकी स्क्रीन है और ये बटन वगैरह दिए हुए, और नीचे से भी आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। ये इन्होंने इसकी बिल्टन फ्लैश लाइट दी हुई है, स्पॉट लाइट अलग दी हुई है जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, ठीक है। और इन्होंने बिल्टन भी दी हुई है इसके अंदर, और ये रेड लाइट है, और यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये लेंस वगैरह को ओपन करने के लिए रिप्लेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यहाँ हुक दिए हुए इन्होंने, आप इसको बेल्ट वगैरह लगाकर। और बड़ी ही आला क्वालिटी का ये कैमरा आप देख सकते हैं, 33 मेगापिक्सल। और नीचे इन्होंने इसकी बैटरी का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको भी हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। आपको बैटरी नज़र आ रही है, और इसकी बैटरी को भी हम देख लेते हैं इस तरह से। तो बैटरी में इन्होंने ये रैपर लगाया हुआ है ताकि जब आप इसको यूज़ करना चाहें तो इस रैपर को रिमूव कर दें। अभी हम इसको चेक कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं, आप भी देख रहे हैं, ठीक है। और अभी इसको बैटरी को हम लगा देते हैं इसमें। इसमें ड्यूल सिस्टम दिया हुआ है, चाहे आप इसको बैटरी से यूज़ करें या चाहे आप इसको किसी दूसरे तरीके से, जो सेल्स आते हैं डबल ए के, आप उससे भी इसको चला सकते हैं। तो इसको मैं एक तरह से ठीक से बंद कर देता हूँ, और ये बंद हो गया, ठीक है। अब इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ इसमें मैं आप लोगों को मेमोरी कार्ड की जगह भी दिखा दूँ। यहाँ देखें, आप USB केबल भी लगा सकते हैं इसमें, मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, और HDMI भी लगा सकते हैं इसमें, आप AV आउटपुट भी लगा सकते हैं, और इसकी डेटा केबल भी लगा सकते हैं। ये मेमोरी कार्ड को हम इस तरह इसको बंद कर देते हैं, और अब इसको हम ऑन ऑफ के लिए ये देखिए, ये आपको इसका डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा। कैप हमने इसका उतार देना ताकि आप देख सकें। फर्स्ट टाइम ये कैमरा ओपन कर रहे हैं हम, आपको अनबॉक्सिंग के लिए इसका अच्छा सा रिव्यू दे रहे हैं, ताकि अगर आप ये कैमरा परचेस करना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन परचेस करना चाहें, चाहे मार्केट से इसको परचेस करना चाहें, तो आप इसका रिव्यू अच्छी तरह से देख सकें। तो ये आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर इसका रिज़ल्ट है, बहुत ही आला क्वालिटी, आप इसको देख सकते हैं।
और चाहे तो आप इसका लेंस वगैरह भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये बटन इन्होंने दिया हुआ है टीपी, और इसको आप इस तरह करेंगे तो ये लेंस इसका बाहर आ जाएगा। और इसको अगर हम ये टेलीफोटो लेंस लगा दें तो सबसे पहले हमें इसका ये कैप हटाना पड़ेगा। कैप हटाने के बाद हम इसको इस तरह से शायद फिट नहीं बैठा ही है, उसको मैं बिठा देता हूँ। अब ये लेंस आप देख सकते हैं, अब आप इसकी ये लुक देख सकते हैं। चाहें तो इसको इस तरह से जूम भी कर सकते हैं। और ये इसका कैप भी आप ऊपर कर सकते हैं। टेलीफोटो लेंस के लिए जाहिर है कि आपको इसको टेलीफोटो पे रखना होगा इस तरह से, ठीक है। लैंग्वेज की भी सारी ऑप्शन दी हुई है इन्होंने, सारे ऑप्शन दिए हैं, तो जब चाहें आप इसको जिस भी फंक्शन को आप यूज़ करें। और सारे फंक्शन आपको मैं दिखा देता हूँ इसके बारे में। तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की अनबॉक्सिंग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए मुख्तलिफ गैजेट्स की, मुख्तलिफ ब्रांड की अनबॉक्सिंग लेकर आते हैं ताकि आप उन प्रोडक्ट के हवाले से मुकम्मल रिव्यू को जान सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद आप अगर हमारी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल टेक्निकल आसिफ शाह को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इसके साथ ही मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।